हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की घमौरियों से रिलेटेड। तो भीषण गर्मी में कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, इन्हीं में से एक है घमौरी। जब शरीर में ज़्यादा पसीना निकलता है तो उसी जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है, यहीं पर घमौरियाँ, खुजली, चुभन जैसी फील होती है। छोटे बच्चों को गर्मियों में लाल दाने या घमौरियाँ होना आम बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों को ही नहीं, ये बड़ों को भी हो जाती है। वैसे बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और नवजात बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, और अगर उन्हें घमौरियाँ हो जाएं तो उनके लिए हमें कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स तो डॉक्टर के पास जाने के बारे में भी सोचने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये कुछ तरीके अपनाएंगे तो आपके बेबी को घमौरियाँ नहीं होंगी। और अगर हो जाती हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ होम रेमेडीज बताई हुई हैं, वो अगर अपनाएंगे तो उससे बच्चों की घमौरियाँ ठीक भी हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी भी हैं जिससे घमौरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये होम रेमेडीज़ आप न्यूबॉर्न बेबी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट है, गर्मियों में ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ही आप बच्चे को लगाएं, इससे ही आप बच्चे की मालिश करें। और घमौरियाँ अगर हो जाएं तो ये इसी ऑयल में आप कपूर को मिला लें और घमौरियों वाली जगह पर लगाएं, इससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबाल लें, फिर इस पानी को ठंडा कर लें और इसी पानी से बच्चे को नहलाएं, इससे भी घमौरियाँ दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट टिप है कि एक खीरे को घिसकर, मतलब उसका रस निकाल लें, इस रस में गुलाब जल मिलाकर घमौरियों वाले जगह पर लगाएं, इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर लें और उसमें कपूर मिला लें और गुलाब जल से इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को बच्चे की घमौरी वाले जगह पर लगाएं या फिर उसकी पूरी बॉडी पर आप अप्लाई कर दें नहाने से पहले, और 20 से 25 मिनट बाद आप बच्चे को नहला दें, इससे भी घमौरियाँ खत्म होने में बहुत हेल्प मिलेगी। 5th पॉइंट है, दही लेकर आप बच्चे की पूरी बॉडी पर लेप कर दें, कुछ देर बाद बच्चे को नहला दें, इससे भी उसको काफ़ी राहत मिलेगी और घमौरियाँ भी खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपके बच्चे को घमौरियाँ ना हो। तो फर्स्ट है कि आप बच्चे की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, साथ ही वो जो कपड़े पहनाएं उसको वो हल्के और ढीले हों, और अगर आप उसे कॉटन के कपड़े पहनाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बच्चे को लेकर कहीं भी धूप में ना निकलें, क्योंकि अगर आप बच्चे को लेकर धूप में जाती हैं तो इससे घमौरियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर पहले से ही घमौरियाँ हो गई हैं तो वो भी और भी ज़्यादा, मतलब बढ़ जाएंगी। और अगर आप गर्म और उमस भरे मौसम में रह रही हैं और आप अपने बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहनाती हैं तो भी घमौरियाँ हो सकती हैं, तो प्लीज़ बच्चे को ढीले ढाले कपड़े ही पहनाइए और बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाइए। साथ ही आप बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखें, टाइम टू टाइम उसे पानी या जूस पिलाते रहें, और गर्मियों में जो फ्रूट्स आते हैं वो भी आप अपने बच्चे को खाने के लिए दे सकती हैं। 6 मंथ से ऊपर जो बेबी होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उन्हें आप पानी, जूस या फ्रूट्स वगैरह आप खिला सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।